दुबई एक ऐसा देश है जहां पर हर कोई जाके बसना चाहता है, क्योंकि वहां पर क्राइम रेट नहीं है, कोरोना को तो नाम तक नहीं है। आज बहुत सारे लोग पहुंचे हुए पैसे वाले लोग हैं, वो दुबई जाके अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि वो ट्रस्टेबल वैक्सीनेशन वहां हो रही है, वहां मिल रही है वैक्सीन, क्या आपने भी सुना होगा, ठीक है। और बहुत सारे बाकी कंट्रीज में है, लेकिन दुबई में जाना थोड़ा हमारे इंडियंस के लिए आसान है, वहां जाके वैक्सीनेशन करवाना आसान है। अगर आपके पास पैसे हैं, जो लोग के पास पैसे थे वो दुबई गए और उन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली। आपको पता है दुबई में भी कोरोना के केसेस कंट्रोल हुए वैक्सीन के थ्रू, वहां पर वैक्सीनेशन बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को लगाई गई है, तब जाके कोरोना कंट्रोल हुआ है। इनफैक्ट अभी तो कोई केसेस भी नहीं है। और बहुत सारी दुनिया के बाकी देशों में भी घूम लोगे तो बहुत सारे ऐसे देश है जिन्होंने वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया है। इजराइल वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया, रशिया वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया, यूएस वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया जितना भी किया, इंग्लैंड वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया जितना भी किया, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने वैक्सीनेशन, चाइना खुद जहां से ये वायरस आया था उसने भी वैक्सीनेशन से ही कंट्रोल किया। मतलब ये है कि वैक्सीन लगाओगे तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी कोरोना वायरस की, और फिर आप लोग लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हो, अदरवाइज नहीं।